वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में चार प्रीपोजिशंस का यूज देखेंगे। पहला तो आपके सामने ही है ऑफ, इसके बाद होगा ऑफ, फिर होगा ऑन एंड फोर्थ नंबर होगा ओवर। इन चारों का मीनिंग और यूज देखेंगे हम मीनिंग के साथ। जैसा कि स्पष्ट है, ऑफ का मीनिंग, ऑफ का यहाँ पे बहुत सब मीनिंग दिया हुआ है। एक है काके की, दूसरा है से, तीसरा है के कारण, और चौथा है के बारे में। ये ऑफ का मीनिंग है चार। अब काके की में संबंध का भाव रहेगा, अंश का भाव रहेगा, किसी वस्तु से बनने का भाव रहेगा। दूसरे से में स्रोत का भाव रहेगा, तुलना का भाव रहेगा। तो इस तरह से हम एक एक नंबर देखेंगे संबंध के भाव का सेंटेंस, दूसरा अंश के भाव का, तीसरा फिर स्रोत के भाव का, चौथा तुलना के भाव का, पांचवा के कारण के लिए छठा सेंटेंस मिलेगा, और के बारे में के लिए सातवां सेंटेंस मिलेगा। पूरा स्पष्ट हो जाएगा। मतलब रहेगा पहला काके की और तीन भाव। राम इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, राम राम मेरा एक मित्र है। तो यहाँ पे ऑफ मेरा, काके की रारेरी होता है, आप जानते हैं संबंध कारक का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे मेरा हो गया है। तो ये काके की भाव है और यहाँ पे संबंध दिखा रहा है, क्योंकि काके के साथ रारेरी भी छुपा रहता है जब आप पढ़े हैं संबंध कारक वहां पे। तो यहाँ पे संबंध का भाव दिख रहा है कि मेरा फ्रेंड है, यह संबंध हो गया। दूसरा अंश का भाव, अंश मतलब हिस्सा, देखते हैं। दिस इज द कैप ऑफ दिस पेन, यह इस पेन का कैप है, ढक्कन है। तो यहाँ पे पेन का कैप, पेन का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे हो गया का मतलब भी आ रहा है और हिस्सा का भी बोध हो रहा है, दो नंबर हो गया। तीसरा होगा बस किसी वस्तु से बनने का भाव, जैसे दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यह खिड़की शीशे की बनी है। यहाँ पे की का मीनिंग आ रहा है, की का मीनिंग आया तीन नंबर। फिर चार में होगा से मीनिंग में से रहेगा, और स्रोत मतलब सोर्स का मीनिंग छुपा रहेगा, और फिर कंपेरिजन का मीनिंग छुपा रहेगा। तो पर चौथा सोर्स का मीनिंग होना चाहिए। रीमा कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, अब मी रीमा धनी परिवार से आती है। सॉरी, तो धनी परिवार यहाँ पे हो गया एक सोर्स जहां से रीमा आती है। तो इधर हो गया चार नंबर, से मीनिंग आ रहा है और सोर्स का भाव भी आ रहा है। तुलना में देखते हैं, मोहित इज द रिचर ऑफ द टू, मोहित जब दो के बीच कंपैरिजन करते हैं तो सेंटेंस लिखने का पैटर्न ऐसा भी होता है कि कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसे कंपैरेटिव लिखने का पैटर्न होता है, जैसे मोहन इज रिचर देन, लेट इट बी राम, राम है तो मोहन राम से रिचर है। तो दो हो गए एक और दो। अब इसी को लिख दिया, मोहन इज द रिचर ऑफ द टू, मोहन दो में अधिक रिचर है, रिच है। तो यहाँ पे तुलना हो रही है दो में से, यहाँ पे से का मीनिंग आ रहा है, अधिक रिच है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री लिखने का एक तरीका तो यहाँ पे है और दूसरा तरीका सेंटेंस में यूज किया हुआ है। उसके बाद के कारण आएगा मीनिंग, मोहन डाइड ऑफ कोरोना वायरस, मोहन कोरोना वायरस के कारण मृत हो गया, मर गया। तो यहाँ पे ऑफ का मीनिंग के कारण, सिक्स नंबर से सिक्स नंबर को मैच किया हमने। फिर के बारे में आएगा रीमा नोज, यहाँ पे नोज होगा, रीमा नोज नथिंग ऑफ राम, रीमा राम के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो यहाँ रीमा राम के बारे में आ गया, तो यहाँ पे सात से सात। इस तरह से ऑफ का प्रयोग का के की मीनिंग के लिए, से की मीनिंग के लिए, के कारण की मीनिंग के लिए और के बारे में की मीनिंग के लिए हुआ। फिर उसमें छुपे हुए जो मीनिंग्स थे सबका एक एक सेंटेंस भी देखा। कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अफ्रेड ऑफ,
मतलब से भयभीत, अफ्रेड ऑफ मतलब जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से भयभीत हूँ या डर लगता है। अवेयर ऑफ मतलब जागरूक होना, विक्टिम ऑफ मतलब शिकार होना, वांट ऑफ मतलब कमी होना, वांट ऑफ मतलब कमी होना, डिस्ट्रस्ट ऑफ मतलब में अविश्वास, अविश्वास। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये मेन वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये ऑफ का हो गया। दूसरा आता है ऑफ। ऑफ दो हिंदी है, एक तो से और दूसरा से दूर हटकर। से मतलब स्थान से अलग होने का भाव यहाँ पे रहता है, और से दूर हटकर का देखेंगे। रामू गॉट ऑफ द बस। रामू बस से उतरा, गॉट ऑफ बस से उतरा, रामू बस से उतरा। ऐसे गेट ऑफ का मतलब उतरा ही होता है, तो वही आ गया है, इससे बना ही है। से का मीनिंग होगा अलग होना होगा, इसलिए बना दिया गया है इसको। तो रामू बस से उतरा। फिर है से दूर हटकर। रीमा लिप्स ऑफ द मेन रोड। रीमा मेन रोड से दूर हटकर रहती है, मेन रोड पर नहीं, मेन रोड के पास नहीं, मेन रोड के साथ नहीं, मेन रोड से दूर हटकर रहती है। तो यहाँ पे से हटकर, तो ऑफ का एक तो स्थान से अलग होंगे तब वहां पे ऑफ लगाते हैं, और फिर से दूर हटकर के मीनिंग के लिए भी ऑफ लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टर्न के साथ ऑफ, स्विच के साथ ऑफ, दोनों की हिंदी एक ही होती है। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ मतलब बंद करना, कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना, ऑफ स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं करना है, ऑफ साइड मतलब गलत साइड, ये फुटबॉल का टर्म है। तो ए हो गया ऑन के बाद ऑफ। नेक्स्ट कम्स सॉरी ऑफ के बाद ऑफ, नेक्स्ट कम्स ऑन। ऑन की मीनिंग है देखिए पर, सबसे अधिक पर के अर्थ में इसका यूज करते हैं। इसकी मीनिंग को भी होती है, के विषय में भी मीनिंग है, का सदस्य होना भी मीनिंग है, और के बिल्कुल नजदीक, ये मीनिंग है ऑन का, 1 2 3 4 5। लेकिन पर में तीन तरह के भाव छुपे रहते हैं, एक स्थान, समय और कार्य में लगे रहने का भाव। इसलिए पर का एक भाव के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा सेंटेंस हिंदी पर ही रहेगी, और फिर इसके बाद का मीनिंग वाला के लिए चौथा सेंटेंस, फिर पांचवा सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस, सेवन सेंटेंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। देखिए रामू इज सिटिंग ऑन अ चेयर। रामू चेयर पर बैठ रहा है, यहाँ पर हो गया, और ये देख रहे हैं स्थान का भाव दे रहा है कि चेयर पर। टाइम का, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम। ट्रेन टाइम समय पर पहुंची, यहाँ पर आ गया और टाइम का भाव दे रहा है। एक देख लीजिए ऑन टाइम और एक इन टाइम। मान लेते हैं ट्रेन के पहुंचने का टाइम 10 o'clock है, तो ट्रेन अगर 10 o'clock ही पहुंचती है, इसको बोलते हैं ऑन टाइम। और ट्रेन अगर 10 o'clock से पहले पहुंच जाए, 9:55 पे पहुंच जाए, चाहे 10 o'clock से पहले कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इन टाइम, समय के अंदर। तो ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट समय पर जो निर्धारित होता है, और इन टाइम मतलब निर्धारित समय से पहले, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है कार्य में लग रहने का भाव होगा। रीमा इज ऑन ड्यूटी। रीमा ड्यूटी पर है, मतलब ड्यूटी में की कार्य में लगी हुई है, तो पर ही मीनिंग आएगा, लेकिन कार्य में लग रहने का भाव रहेगा। फिर है को। देयर विल बी लीव ऑन ट्यूजडे। ट्यूजडे को छुट्टी रहेगी, तो ट्यूजडे को, यहाँ पे देखिए को आ गया ऑन का हिंदी। फिर है के विषय में। प्लीज राइट ऑन एसे ऑन ऑनलाइन स्टडीज। ऑनलाइन स्टडीज के विषय में एक निबंध लिखिए कृपया। ऑनलाइन स्टडीज के विषय में कृपया एक निबंध लिखिए। इसके बाद है का सदस्य होना। राम इज ऑन दिस कमिटी। राम इस कमेटी का सदस्य है। का सदस्य है राम, इस कमेटी का सदस्य है। फिर के बिल्कुल नजदीक। माय मॉस्क इज ऑन, माय हाउस इज ऑन मॉस्क। मॉस्क मतलब मस्जिद।
मेरा घर मस्जिद के नजदीक है। यहाँ पे ऑन मतलब के नजदीक, ऐसा नहीं कि माई हाउस इज ऑन द मस्क मतलब मस्जिद पर है, ऐसा नहीं। इसका मतलब होता है माई हाउस इज ऑन द मस्क मतलब मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल नजदीक है। अब कुछ वर्ड्स जो अपने साथ डिमांड करते हैं ऑन का, जैसे डिपेंड ऑन, उस मतलब डिपेंड ऑन मतलब पर निर्भर रहना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन बधाई देना, काउंट ऑन का होता है भरोसा करना, कैरी ऑन जारी रखना, लिव ऑन पर निर्भर रहना, रिलाई ऑन पर विश्वास करना, कीप ऑन और कैरी ऑन एक ही होता है, जारी रखना, ऑन लोन ऋण पर, ऑन रिक्वेस्ट आग्रह पर, ऑन डिमांड मांग पर, ऑन फायर मतलब आग में, ऑन सेल बिक्री के लिए, ऑन फुट मतलब पैदल। तो ये सब वर्ड्स हैं जो डिमांड करते हैं अपने साथ ऑन का। ऑन के बाद अब लास्ट अपना प्रीपोजिशंस आज इस वीडियो का वो है ओवर। ओवर की मीनिंग एक है, वह है के ऊपर जो सबसे अधिक यूज होती है। इसके बाद इसका तीन भाव है, सटा हुआ का भाव, नहीं सटा हुआ का भाव और एक छोर से दूसरे छोर तक का भाव। ये तीन मीनिंग है जब इसका मीनिंग तीन इसका भाव है जब इसका मीनिंग है के ऊपर। इसके बाद इसका दूसरा मीनिंग है की अवधि में, तीसरा है से अधिक, चौथा है के उस पार, पांचवा है मे, और मे में जगह का भाव रहता है। देखिए ओवर के ऊपर यहाँ पे सटा हुआ होगा, वी वियर मास्क ओवर आवर माउथ एंड नोज, हम अपने मुंह और नाक के ऊपर मास्क पहनते हैं। यहाँ पे के ऊपर हो गया और ये सटा हुआ है, मास्क और मुंह नाक सब सटा हुआ रहता है आप जानते हैं, सटा हुआ नहीं भी रहता। जैसे शीला हैज अन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, शीला अपने सिर के ऊपर एक, शीला के सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला है। तो ये हो गया यहाँ पे सिर के ऊपर है, सिर से सटा हुआ नहीं है दूसरा, लेकिन हिंदी के ऊपर ही आ रही है, एक छोर से दूसरे छोर। देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है। ब्रिज कैसे होती है, नदी अगर है सपोज वाटर फ्लो कर रहा है तो ब्रिज तो ऐसे होती है, तो नदी के ऊपर एक ब्रिज है, ये एक छोर से दूसरे छोर तक का भाव हो रहा है। फिर है की अवधि में, राम डोजेज ओवर हिज ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन क्लास अपने ऑनलाइन क्लास की अवधि में राम सोता है। यहाँ पे की अवधि में ओवर का मीनिंग हो गया। से अधिक, रीमा इज ओवर ट्वेंटी, तो रीमा 20 से अधिक है। देखिए एज जो बताते हैं हम लिखते हैं इसी को ले लेते हैं, रीमा इज ओवर 20, ठीक है इस तरह लिख दिया, रीमा इज ओवर 20, तो रीमा 20 से अधिक, तो रीमा कितनी है तो बता सकते हैं हम कि रीमा इज 21। जब एज बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं। तो ओवर का प्रयोग करते हैं जब किसी पर्टिकुलर ईयर से अधिक होता है, से वो अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं से अधिक मीनिंग आ रहा है। अब के उस पर मीनिंग आना चाहिए, रीमा क्लाइम्ड ओवर द वॉल, रीमा दीवाल के उस पर चढ़ गई, तो दीवाल के उस पर चढ़ गई। तो यहाँ पे के उस पर सिक्स से सिक्स मैच किया है। और फिर उसके बाद है मे, जगह का भाव होगा, इट वॉज रेनिंग ऑल ओवर बिहार, संपूर्ण बिहार में, यहाँ में आ गया संपूर्ण, और मतलब संपूर्ण बिहार में बरसात हो रही थी, ये सात नंबर। इस तरह से ये ओवर का यूज हुआ। ओवर अपने साथ डिमांड करता है, ओवर को डिमांड करते हैं ब्लो ओवर, लुक ओवर, टेक ओवर,
थिंक ओवर, अथॉरिटी ओवर, कंट्रोल ओवर। ब्लो ओवर मतलब बुझाना, लुक ओवर मतलब अनदेखा करना, अनदेखा करना, टेक ओवर मतलब दायित्व संभालना, दायित्व संभालना, थिंक ओवर मतलब सोचना, अथॉरिटी ओवर मतलब के ऊपर अधिकार होना, कंट्रोल ओवर मतलब के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल नियंत्रण होना। तो इस तरह से ये ओवर भी फिनिश हुआ। तो आज हमारे चार प्रीपोजिशन थे, ऑफ, ऑन एंड ओवर। थैंक यू वेरी मच।